मोस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में लेटर एंट्री के थ्रू आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा, जहां पे आप लोग सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री करते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन है। तो मेरा यहाँ पे सजेशन ये है कि जब आप करना चाह रहे हैं, तो देखो आपने बीटेक डिप्लोमा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, तो जब भी आप हायर स्टडीज में जाए तो क्यों ना बीटेक भी आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से ही करने के लिए सोचे। ये मेरा आप लोगों को सुझाव है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट कॉलेज का क्रेज अलग होता है, वहां से आप लोगों का जो बाहर इंडस्ट्री में डिमांड होता है वो अलग लेवल का होता है। एक ऑप्शन आप लोगों के लिए है कि कभी कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, देखो इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग आवाज नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं है, अभी आवाज आ रहा है आप लोगों को, राइट। तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट किसी अच्छे पब्लिक सेक्टर की कंपनी में या कहीं भी जाओगे, तो आप लोगों के मन में होगा कि हम अपना जॉब करते हुए एमआईटी वगैरह का कोर्स कर ले। ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छे जगह जाए बट आप एमआईटी वगैरह के कोर्स कर ले। एक होता है कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद तो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब आप लोगों के पास होते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं, जैसे कि आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सरकारी नौकरी ही क्यों, तो आपको भी पता है कि सरकारी नौकरी क्यों, तो आप लोगों के घर में, आप लोगों के गांव में, आप लोगों के पास पड़ोस में एक जेई साहब होते होंगे, एक साहब होते होंगे, हमेशा उनके नाम के आगे क्या रखता है, साहब। तो भाई साहब वाली फीलिंग जो होती है वो अलग लेवल की होती है। बहुत सारे मतलब कि सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप जेई और एई बन जाओगे, जैसे सपोज करोगे तो आप जेई बनोगे, तो आप लोगों की लाइफ में जो स्टेबिलिटी होगी ना, बाकी लोगों की कंपैरिजन में बेस्ट हो जाएगी, मतलब आप लोग टेंशन फ्री हो जाओगे। फिर उसके बाद आपको भी पता है कि आपके आने वाले समय में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी, जैसे लड़के हैं तो उनकी शादी भी अच्छे जगह हो जाएगी, लड़कियां हैं तो उनके लिए अच्छा खासा शादी हो, मतलब सोशल स्टेटस भी मैनेज हो जाएगा, और पैसे की कमी नहीं है। देखो आज के समय में आपको भी पता है कि जितने एई और जेई हैं इंडिया लेवल में, अगर सैलरी उनकी इंडिया लेवल में अगर उनकी सैलरी, अगर मैं बोलूं कि जेई की आन एवरेज पूरे स्टेट लेवल में होता है, सेंट्रल लेवल 45 से 50 हज़ार मिनिमम इनहैंड सैलरी आती है, लेकिन वो सैलरी तो फिक्स है, वो आपके अकाउंट में हमेशा डिपोजिट होती है और वो पैसा आपका खर्च नहीं होने वाला। लेकिन जब आप CPWD या तमाम तरह के डिपार्टमेंट्स में जब आप जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं कि अपार्ट फ्रॉम सैलरी बहुत सारे पैसे आप लोगों के पास आए। ये एक ऑप्शन है, राइट।